मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 24 अक्टूबर को श्योपुर जिले के विजयपुर जाएंगे, जहां रोड शो करने के साथ ही चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे को लेकर एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने सभा स्थल का जायजा लिया। मध्य प्रदेश की दो विधानसभा बुधनी और विजयपुर में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने अपनी एक चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विजयपुर में रोड शो के साथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत के लिए वोट मांगेंगे। सीएम के चुनावी दौरे को लेकर भव्य तैयारी की जा रही है। वहीं गुरुवार को पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन द्वारा सभा स्थल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। सीएम की सुरक्षा के लिए 350 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। 3 जिले की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में लगाई गई है। कल सुबह 11:30 पे मुख्यमंत्री महोदय का हेलीकॉप्टर से विजयपुर आगमन का प्रोग्राम मिला है और वो भाजपा प्रत्याशी के प्रचार में संभवतः रैली का आयोजन करेंगे, ऐसा प्रोग्राम मिला है और संभव है कि नामांकन फार्म जमा करने भी जा सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जेड प्लस सुरक्षा उनको प्रदान की गई है, आज जिले के अधिकारियों के द्वारा, माननीय डीएम महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सभी क्षेत्रों का भ्रमण किया गया, संभावित स्थानों पर व्यवस्थाओं को का आकलन किया गया और कल के लिए पुलिस व्यवस्था सुरक्षा के लिहाज से जो आवश्यक है वो तैयार की गई है और कल उनके आने से पूर्व पुलिस अपनी व्यवस्था संपन्न